चलिए अब फोकस करते हैं इंसेक्टिसाइड्स इंडिया पर। आज दरअसल स्टॉक पर नजरें हैं क्योंकि कंपनी को दरअसल सरकार से 20 साल का पेटेंट मिल चुका है। ये पेटेंट कंपनी के सोफिया ट्रेडमार्क को मिला है। इस ब्रांड के जरिए कंपनी फंगिसाइडल कॉम्पोजिशन दो प्रोडक्ट्स हैं ये पूरे देश में बेच पाएगी। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अग्रवाल। अग्रवाल साहब स्वागत है आपका। स्टॉक आपका 5.5% ऊपर, मोमेंटम तो है, अगर आप हमें बता सकें क्योंकि ये प्रोडक्ट आप पहले लॉन्च कर चुके हैं लेकिन मिला है आपको हाल ही में पेटेंट। अब पेटेंट मिलना कितना फिर बिजनेस को बढ़ा सकता है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अगर आप हमें समझा सकें। मैं ये बताना चाहूंगा कि कंपनी का फोकस R&D पर है और हमारी ये कोशिश रहती है कि जो हमारे कस्टमर है किसान, उस किसान को हम रेडी सॉल्यूशन दें। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हम दवा खाते हैं लेकिन बीमारियां कई होती हैं हमें, तो 2-3 दवा एक साथ मिलाकर खानी पड़ती है, तो हमने वो कॉम्बिनेशन बनाकर दिए हैं और कोशिश की है कि किसान को रेडी सॉल्यूशन मिले। हमारे 5 मिक्सचर जो हमने पिछले 2 साल में लॉन्च किए, सोफिया उन्हीं में से एक है, वो मार्केट में आ चुके हैं और 6ठा पेटेंटेड मिक्सचर हम अगले हफ्ते लॉन्च करने जा रहे हैं। इसका पेटेंट पहले मिल गया था, लॉन्च बाद में होगा। और सोफिया के साथ ऐसा हुआ था कि ये हमें रजिस्ट्रेशन पहले मिल गया था, पेटेंट बाई चांस अभी मिला। तो सोफिया हमने 2 साल पहले लॉन्च किया था। सोफिया के अंदर करीबन 6-7 ऑलरेडी लोग कॉपी करके इस प्रोडक्ट को ले आए थे लेकिन सभी को नोटिसेस जा चुके हैं और हमने जनरल नोटिस भी दिया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसकी सेल मल्टीप्लाई होगी 2-3 सालों में और हम आगे और भी पार्टनर्स बना पाएंगे। अभी पिछले साल इसने लगभग 20 करोड़ का कंट्रीब्यूशन कंपनी को दिया था और मैं समझता हूँ कि इस साल में लगभग 50% का ग्रोथ इस प्रोडक्ट से मिलेगा। लेकिन आगे आने वाले साल में हम अपने ब्रांड को भी बड़ा कर पाएंगे और ब्रांड के अलावा हम इसको कुछ को पार्टनर्स भी बना पाएंगे और उनको भी माल उनके थ्रू भी बाजार के अंदर दे पाएंगे, तो इससे अच्छा पोटेंशियल कंपनी को मिलेगा। ओके, तो मैं जी सर, मैं क्योंकि आपने सबसे पहले कहा आपका फोकस R&D पर है, तो और कितने ऐसे नए पेटेंट्स के लिए आपने अप्लाई किया है, कितने और अगला हफ्ता एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च होगा और कितने प्रोडक्ट्स आएंगे, नए बिजनेस नए प्रोडक्ट्स आएंगे और कितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे आपके रेवेन्यू के लिए इस साल? देखिए, हमारा जितना भी ग्रोथ का लक्ष्य है वो सब नए प्रोडक्ट्स को लाने से है। नए प्रोडक्ट को लाने के हमारे 2 तरीके हैं। एक अपने R&D सेंटर्स के माध्यम से, अपने R&D सेंटर्स के माध्यम से हम 2-3 तरीके की रिसर्च करते हैं। नंबर 1 तो नए फॉर्मुलेशंस, क्योंकि नए फॉर्मुलेशन का हिस्सा है जहां पर हम प्रोडक्ट को मिक्स करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम रिवर्स इंजीनियरिंग से भी कुछ प्रोडक्ट ला रहे हैं जो इंडिया में पहली बार बने गए। अब तक विदेशों से आते थे और ये प्रोडक्ट पेटेंटेड थे लेकिन इनका पेटेंट समाप्त हो चुका है, इनको देश में बनाया जा सकता है और किसान को कॉम्पिटेटिव दामों पर ले जाया जा सकता है, इस पर भी काम कर रहे हैं। और तीसरा हम इस लाइन पे काम कर रहे हैं कि जो नए प्रोडक्ट हैं जो जापानी कंपनियों ने बनाए हैं लेकिन पेटेंटेड है और इंडिया में आ नहीं पा रहे, उनको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर साल हम 5-6 नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं और मैं देखता हूं कि एग्रोकेमिकल में ग्रोथ बहुत है, एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ का जबरदस्त पोटेंशियल है लेकिन प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव आ रहा है और उस बदलाव को कैप्चर करने के लिए हर साल 5-6 प्रोडक्ट लाकर हम अपना ग्रोथ देखते हैं। अगर मैं पिछले 4-5 साल में देखता हूं तो ऑन एन एवरेज हमने 3-4 प्रोडक्ट हर साल लॉन्च किए हैं और उनसे बड़ी सक्सेस मिल रही है। अगर मैं 2013 से अब तक का ग्रोथ देखता हूं तो हमारा 50% से ज्यादा सेल अपने नए जो इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट है उनसे आ रहा है और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले जो इंट्रोडक्शन आएंगे इस साल में भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 3-4 इंट्रोडक्शन और आएंगे हमारे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में थोड़ा विलंब है जिसकी वजह से देरी हो रही है इनको आने में। ये प्रोडक्ट फ्यूचर में चल के हमारे स्टार प्रोडक्ट्स बनेंगे और इस साल भी मैं समझता हूं कि कम से कम 100 करोड़ का कंट्रीब्यूशन हमें इस साल के जो लॉन्च प्रोडक्ट्स होंगे जो इस साल में ही हम लॉन्च करेंगे उनसे आना चाहिए अपने टॉप में। इनफैक्ट ये आपने बहुत बड़ी हेडलाइन दे दी कि इस साल जो प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे उसी में से अकेले 100 करोड़ का कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपका स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लगभग 7% की तेजी। गावा साहब फटाफट अगर हो सके इंसेक्टिसाइड इंडिया का चार्ट चेक दीजिए, 759 पर है स्टॉक, बहुत स्ट्रांग कॉमेंट्री मैनेजमेंट ने अभी शेयर की है। ले लेना चाहिए, 700 का सिर्फ एक स्टॉप लगाना चाहिए, अपनी ऑन है। कहां तक ऊपर जाएगा, शायद 800 के पास भी जा सकता है लेकिन 700 का स्टॉप होना जरूरी है। इंसेक्टिसाइड इंडिया अब ट्रेड कर रहा है 761, स्टॉप थोड़ा डीप है लेकिन उतना जरूरी है, इसका मतलब शायद 800 भी पार कर ले लेकिन अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। अप ट्रेंड है, 700 का आप स्टॉप लॉस लगाएं और तेजी की पोजीशन रखिएगा, 800 की तैयारी कर रहा है, 772 तो आज ही हो चुका इस स्टॉक में हासिल। चलिए खिलाड़ी नंबर 1 के रिटर्न्स आपको दिखा देते हैं क्योंकि कोई नया एडिशन नहीं है, कोई बदलाव नहीं हुआ है अब तक,